सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आज मुझे एक कॉल आई थी और उन्होंने मुझसे क्या पूछा वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। मेरे पास एक कॉल आती है दिन में लगभग दोपहर के आसपास, और वो मुझसे एक बात सबसे पहले कहते हैं कि सर, मैंने अपना ओ कनेक्ट परचेज कर लिया है लेकिन अभी तक मेरे पास कोई इनकम नहीं आई। आप इस बात को थोड़ा सा एनालिसिस करें कि मैं क्या बोल रहा हूं और उन्होंने मुझसे क्या पूछा। मैंने अपना ओ कनेक्ट परचेज कर लिया है लेकिन मेरे पास इनकम नहीं आई। सो इसका आंसर आपको भी पता है और मुझे भी पता है और हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात यह है कि हमें इनकम किस तरीके से आती है, हमें इनकम आती कहां से है। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपको इनकम क्यों नहीं आई, तो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि सर, हमारे नीचे कोई ग्राहक नहीं है, हमारे नीचे कोई पोटेंशियल कस्टमर ही नहीं है, अभी किसी ने परचेज ही नहीं किया है। मैंने कहा आपको इसीलिए इनकम नहीं आई। तो यहां पे मैं आपको एक चीज ये समझाना चाहूंगा, ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई भी व्यक्ति अगर सवाल करता है तो आप उसका जवाब देने से पहले उससे खुद सवाल करें तो वो खुद ही आपको जवाब दे देंगे। सो यहां पर ऐसे हमारे बहुत से फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो आज भी और अभी भी सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए ही बैठे हुए हैं। भाई ये बात आपकी गलत है, आप इनकम के लिए जरूर बैठे हैं लेकिन आप सीखने पर भी थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि हमारा ये बिजनेस सीखने का भी है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हमारे मन के अंदर और हमारे दिमाग के अंदर ऐसे ही बहुत सारे सवाल आते रहेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं जिससे कि आप उन सारी चीजों से जो है अलर्ट रहें, उन सारी चीजों से सचेत रहें, क्योंकि ये ऑन पैसे बिजनेस है और ऑन पैसे बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी ही काम कर रही है। जितने भी हमारे आईटी सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों में सिर्फ और सिर्फ हमारे डिवाइसेस ही काम करते हैं, जैसे कि मोबाइल का हमारा डिवाइस हो गया, एक हमारा लैपटॉप डिवाइस हो गया, यही काम करते हैं। और यहाँ पे लिंक काम करती है, गलती से भी हम इधर से उधर जो है लिंक को शेयर कर देते हैं और गलती से भी हमारी लिंक अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास शेयर हो जाती है जहां पर वो व्यक्ति किसी भी कंडीशन में हमारे सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर सकता है, तो आप वहीं उसी वक्त जो है खत्म हो सकते हैं, आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। सो इसलिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एज ए फाउंडिंग मेंबर होने के नाते आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है। नंबर वन, जो व्यक्ति फाउंडर नहीं है, फाउंडिंग मेंबर नहीं है यानी कि थर्ड पर्सन है, उस व्यक्ति को कभी भी अपना ओमेल आईडी और अपना पासवर्ड आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हैं तो इसके आप खुद ही जिम्मेदार होंगे, इसमें ना कोई कंपनी जिम्मेदार होगी, ना हम, ना ही कोई ग्लोबल लीडर्स, ना ही कोई भी लीडर यहां पर आपका ब्लेसर या कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। फिर बाद में आपका इकोसिस्टम ओपन नहीं हो रहा है, फिर बाद में आपका जीमेल ओपन नहीं हो रहा है, जीमेल का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं कुछ नहीं हो रहा है। इट मीन्स कहने का ये है, पासवर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी प्राइवेसी में ही रखी जाती हैं। प्राइवेसी का मतलब ये होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए और किसी को नहीं पता होना चाहिए। उस ताले की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही होनी चाहिए, अदरवाइज कोई भी ताला खोल लेगा और आपका सामान चुरा के चला जाएगा। सो यहां पे आपका ओमेल आईडी और पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके पास होना चाहिए, वरना आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं, आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। नंबर टू, इकोसिस्टम का कोई भी पेज या कोई भी सरफेस को स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में आपको बिल्कुल भी शेयर ना करें। जी हां, इकोसिस्टम का, खासतौर से अगर हम बात करें अपने वॉलेट की, खासतौर से हम बात करें अपने इनकम की, तो ये तो ऑलरेडी एस मुफारे सर ने हम सब लोगों से मना कर दिया है कि आप इस टाइप की कोई भी स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में शेयर ना करें, बिकॉज अभी ये जो चीज जो है अलाउड नहीं है। अभी थोड़ा सा रुकिए, इन सारी चीजों को हम शेयर किया करेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा रुकिए, ठीक है? तो यहां पे इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। नंबर थ्री, बहुत सारी हमारी ऐसी वीडियोज यूट्यूब के ऊपर आ रही है जो पूरी तरीके से ऑफिशियल नहीं है, तो आप उनको अपने ऑफिशियल जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सारे ग्रुप में आप शेयर ना करें। जी हां,
आप उनको शेयर ना करें। दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी हमारे वेबिनार होते हैं, हमारे नेशनल, इंटरनेशनल एंड हमारे जितने भी ग्लोबल लीडर्स के वेबिनार होते हैं, आप उनकी वीडियोस को जरूर शेयर करें। क्यों करें? क्योंकि वहां पर उनके उस वीडियोस के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। रेड सर हो गए, हमारे डिलन सर हो गए एंड हमारे जूली मैडम हो गई एंड माइकल विलियम सर हो गए। एस सुफारी सर की तो है ही, उनकी तो बात ही अलग है, वो तो होता ही होता है। इसके अलावा हमारे मार्टी सर हो गए एंड जॉनसन, क्रिस जॉनसन सर हो गए, इनकी आपको वीडियो शेयर करनी है अपने ग्रुप के अंदर, ताकि इन लोगों को जो है एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। और खास तौर से जो लोग अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, आप उनकी भी शेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसा जरूर करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताए ये आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आपको किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप अपने स्पॉन्सर से भी सलाह ले सकते हैं, या आपके नजदीक में जो भी आपके फाउंडिंग मेंबर्स उनकी भी सलाह ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी अगर नंबर है जिनसे आप हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, उनकी भी आप सलाह ले सकते हैं। और सही समाधान आपको जहां से भी मिल जाए आप उनका नंबर अपने पास सेव कर लीजिए। उसके बाद अपडेट रहने के लिए आपको ऑनलाइन जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वहां पे आपको जाना जरूरी है। उसके बाद हमारे इकोसिस्टम का जो अपडेट सेक्शन है उसको भी देखना जरूरी है। इसके अलावा हमारा बैक ऑफिस के अंदर भी आपको नजर रखना ज्यादा जरूरी है। एंड और आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं तो एक सही ग्रुप के साथ ही आप ज्वाइन रहें। सो यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो मैंने आपको बताए, और आज इस वीडियो के अंदर एक और आपको इंस्ट्रक्शन जो है मैं देना चाहूंगा, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो ये है, हमारा जो ऑटोमेटिक जो यहां पे अब ट्रैफिक जो आने वाला है उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसको आप किस तरीके से अपने जो लोग उसके अंदर आएंगे आप उनको किस तरीके से देखेंगे, उनके साथ किस तरीके से कॉन्टेक्ट बिठाएंगे, इसकी आप तैयारी पूरी कर लीजिए। क्योंकि जो भी ऑटोमेटिक ट्रैफिक आएगा आपके उस इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ही होगा वो, ऐसी बात नहीं है। ट्रैफिक का मतलब क्या है? ट्रैफिक का मतलब ये है कि आपके इकोसिस्टम के अंदर 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100 लोग जो भी आएंगे वो सिर्फ हमारे जैसे लोग ही होंगे। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि वो लोग कहां के होंगे, इंडिया के होंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, चाइना, फिलीपींस, जर्मनी, रशिया, कहां के होंगे ये हमें नहीं पता। बिकॉज यहां पे जो ट्रैफिक कंपनी के पास ऑलरेडी मौजूद है वो ऑल ओवर वर्ल्ड से है। इसलिए अब आपको यहीं पर आपको अपने जितने भी पोटेंशियल यूजर होंगे ना उनको उनका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उनके साथ आपको कांटेक्ट बिठाना पड़ेगा। खासतौर से अगर हम बात करें, अगर वो दूसरे देश के अगर आपके इकोसिस्टम में नजर आ जाते हैं तो आपको तो और ज्यादा यहां पर सावधान होने की जरूरत है। बिकॉज अब आप किस तरीके से उनके साथ कांटेक्ट बिठाएंगे, किस तरीके से आप उनको, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके से आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो तो आपको कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। इसलिए यहां पर हम सब लोगों को पहले से तैयार रहना है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करना है, अपने आप को नॉलेज से पूरी तरीके से भर देना है। जितना नॉलेज हम सब लोगों के पास रहेगा ऑन पैसिव के बारे में, हमारे टूल के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, हमारे कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हमारे टेक्निकल स्टाफ के बारे में, आप उतना ही ज्यादा यहां पर कामयाब जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि ये आईटी सेक्टर है और आईटी सेक्टर के जो टूल्स होते हैं वो एक दिन में कभी भी नहीं बनते हैं, और इसके अंदर एक समंदर होता है जिसमें आप गहराई में उतरते चले जाएंगे, लेकिन आपको नॉलेज आपको मिलती ही चली जाएगी। सो आप यहां पे अगर कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप यहां पे और भी ज्यादा अच्छी तरीके से सक्सेसफुल एक व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपने लाइफ के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, इसको अगर हमें प्राप्त करना है तो 100 मर्ज की एक दवा वो है लर्निंग। यहां पे हमें सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम क्या सीखें, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मतलब मैं कोई आपसे फोर्सली नहीं कह रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज यहां पे मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको अपने लर्निंग वाली सीरीज में आपको किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिससे कि आप उन सारी चीजों को सीख सकें। ओके, सो यहां पे ट्रैफिक का जो हम वेट कर रहे हैं बहुत ही जल्दी यहां पर आने वाला है। ये मेरा सजेशन है कि आप अपने आप को तैयार कर लीजिए किस तरीके से आप ट्रैफिक को जो है मैनेज करेंगे। ओके, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको एक अच्छी सी बात जो मैं हमेशा लास्ट में कहता हूं, जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी तैयारी
अच्छी होती है। जिस तरीके से ऑन पैसिव अपनी तैयारी कर रही है आप भी कर लीजिए। वी आर सो नेट टू विन इट।